और आप देख रहे हैं PCN भारत न्यूज खबर जनपद मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर में बबुरा के दंगल में धर्मेंद्र पहलवान एक बार फिर बने चैंपियन। जनपद मिर्जापुर के विकासखंड छानबे के ब्रह्म बाबा दंगल समिति की ओर से बबुरा गांव में आज मंगलवार को संपन्न हुई कुश्ती के दंगल निर्णायक मैच में वाराणसी के धर्मेंद्र ने जम्मू कश्मीर के राकेश पहलवान को पराजित कर 51,000 की कुश्ती अपने नाम किया। चकिया के शमशेर सिंह ने जम्मू के गुलशन को पटकनी देकर खूब बाहबाई बटोरी। अयोध्या के बजरंगी पहलवान की कुश्ती ने सभी दर्शकों को खूब आनंदित किया। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया। वहीं बबुरा में लगभग 100 वर्षों से हो रहा कुश्ती में पहुंचकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि कुश्ती मिर्जापुर जनपद का पारंपरिक खेल है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रतिभा निखारने का काम कर रहे हैं। कुश्ती का सफल संचालन धीरेन्द्र सिंह प्रधानाध्यापक नीलाकांत पांडे जी ने किया। राम शिरोमणि पांडे और पृथ्वीराज सिंह रेफरी रहे। अमर बहादुर सिंह, भरत सिंह, दीनानाथ सिंह। कई सालों से हो रहा है जिसका हमें करेक्ट किस साल से ये शुरू है ये हमको नहीं पता। बुजुर्गों ने भी बताया कि ये दंगल प्राचीन दंगल है और हम लोग लगभग 20 साल से ये 20वां साल है हम लोग का हमारी पूरी सक्रिय टीम, हमारी पूरी कमेटी, हमारे पूरे गांव के लोग इसमें जो भी जहां भी है। अब आप समझिए कि इस दंगल का, ये दंगल नहीं है हमारे गाँव के लिए, मैं मुख्य रूप से बता दूँ आपको, ये दंगल नहीं, ये हमारे गाँव का एक उत्सव है और हमारा पूरा गांव इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाता है। लगभग कितनी जोड़ियां कुश्ती हुई आज? कुश्ती हुई जी, कितनी जोड़ियां कुश्ती हुआ? हाँ, लगभग 32 या 33 जोड़ कुश्ती, अब हम ये एग्जैक्ट तो हमने नहीं देखा लेकिन एक संभावना है कि 32-33 जोड़ कुश्ती हुआ है। सबसे अंतिम कुश्ती किसके किसके बीच हुई और कितने की हुई? ये जो सबसे अंतिम कुश्ती आप लोग अभी देखे हैं, ये धर्मेंद्र जी जो की पूर्व से चैंपियन भी रहे हैं, विगत 6-7 सालों से लगातार चैंपियन आ रहे हैं, इस बार जम्मू कश्मीर से, जम्मू कठुआ से एक पहलवान आया था वैष्णो देवी के बगल से, राकेश करके, उससे हुआ है अंतिम जोड़ कुश्ती। और वो कुश्ती आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर 51,000 तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश किया है और लगभग 51,000 पहुँच भी गया है। इसमें आप लोग यहाँ पे बैठ करके पूरा सहयोग समर्थन कर रहे हैं, आप लोगों का भी आभार मैं करता हूँ जी। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं नीलकांत पांडे, दंगल कमेटी का संचालक हूँ और पहले तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप मीडिया के हमारे सम्मानित साथी इस दंगल को कवर करने के लिए, इस दंगल का उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी लोग आए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दंगल कमेटी में। यहाँ जो दंगल हो रहा है लगभग कितने वर्षों चला रहा है ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो दंगल हो रहा है, हमारे पूर्वज जो 85 साल के अभी हमारे सबसे बुजुर्ग सदस्य बैठे हुए हैं वे भी बताने में सक्षम नहीं है कि कितने वर्षों से। हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये, अब आप कल्पना करिए कि 85 साल के हमारे जो गार्जियन हैं वो भी नहीं बता पा रहे कब से हो रहा है। तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि करीब 200 साल के ऊपर से हमको परंपरा मिला है और हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। दंगल समिति के एक सदस्य के साथ साथ आप एक शिक्षक भी हैं, बिल्कुल, तो ये दंगल का आयोजन मतलब क्या संदेश देता है? ये जैसे ये जो ये सब परंपरागत है और इस, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, तो निश्चित रूप से हम सभी चाहेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि इस तरह से पहले तो फिटनेस, शास्त्र भी कहता है शरीरम आद्यम, सर्वप्रमुख शरीर होता है क्योंकि उसी से सभी धर्म कर्म सभी लोग सभी शरीर से ही करना है। हमारे जब शारीरिक स्वस्थता हमारी सही रहेगी तब हम मानसिक रूप से भी सही रहेंगे और जब तन और मन जब दोनों स्वस्थ रहेगा तो हम विकास के कार्य में और समाज के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अच्छा, यहाँ खरका महादेव, खरका महावीर का मंदिर भी है, वहाँ का वहाँ पर शुरुआत होती है, मेला की शुरुआत वहीं से प्रारंभ होता है, सुबह मेला वहाँ रहता है और शाम को 2 बजे से दंगल का आयोजन यहाँ पर दंगल स्थल पर होता है। धन्यवाद।